बेटा हमने पिछली बार बात की थी हाइपोथैलेमस की, ठीक है? सो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. हाइपोथैलेमस जो है इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड इज जॉइंट विद पिट्यूटरी ग्लैंड. With a stalk called as infundibulum. Hypothalamus secrete releaser hormones, inhibitory hormones, and two hormones. Releaser hormones and inhibitory hormones, they act on pituitary gland. ये मैंने पिछली बार बताया था, आप दोबारा थोड़ा सा लिख सकते हो, कोई बात नहीं है. Whereas these two hormones, these are stored in posterior lobe of pituitary, secreted by hypothalamus but stored in posterior lobe of pituitary. तो posterior lobe जो है वो कुछ खुद secrete नहीं करती है but वो store करती है hypothalamic hormones को. ठीक है, कौन से दो hormones है? ADH and दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन. ADH is also called as vasopressin. हमने इसका फंक्शन एक्सक्रीटरी में किया है और वहां पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल्दो हम कहेंगे ADH is secreted by या it is released by posterior lobe but it is the hypothalamic hormones. ठीक है, यहाँ पे स्टार डाल के लिख लो, ये दोनों हॉर्मोन्स जो है दीज आर hypothalamic hormones which are stored and released by posterior lobe of pituitary. ठीक है जी, बाकी जितने हॉर्मोन्स है वो एक्ट करते हैं पिट्यूटरी पे, ये दो हॉर्मोन्स है वो स्टोर होते हैं पिट्यूटरी, राइट? उसके बाद आ जाता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड. बेटा इट इज प्रेजेंट, मैंने पहले भी बताया था, इट इज प्रेजेंट ऑन ए डिप्रेशन. एक डिप्रेशन है सैडल लाइक, सैडल होती है घोड़े की काठी, आप ऐसे देख लो, ये जो है दिस इज सैडल, राइट? सो दिस इज, या ये बीच का पोर्शन सैडल है, यहाँ पे पिट्यूटरी पड़ी है. किसका सैडल? ये डिप्रेशन किसमें है? एक बोन है स्फीनोइड बोन, फोर ब्रेन has sphenoid bone. इस बोन में has saddle like depression called as, क्या बोलते हैं उसको, या तो बोलते हैं टर्किश सेला टर्की का, बिल्कुल बात ठीक है, टर्किश सैडल बोल देते हैं, या फिर जैसे मैंने पहला बताया था सेला टर्की का. ठीक है,
एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज प्रेजेंट ऑन टर्किश सेटिंग. ठीक है, आप ये थोड़ा सा, मैं आपको बस ऐसे ही एक अंदाजा सा दिखा रही हूं, इस तरह से है और यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है. राइट, सो दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है जी, एंड इट इज पी शेप्ड. मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. This is master endocrine gland. और इसी के बारे में हम pituitary gland के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके जो है अगर आप देखेंगे टू तो main lobes है but यहां पे एक छोटा सा lobe anterior lobe में एक छोटा lobe और है. This is middle lobe. So this is एंटीरियर लोब और पार्स डिस्टेलिस. दिस इज मिडल लोब और पार्स इंटरमीडिया. ये है पोस्टीरियर लोब और पार्स नर्वोसा. तो पिट्यूटरी ग्लैंड हैज थ्री लोब्स, दैट इज एंटीरियर लोब, मिडल लोब एंड पोस्टीरियर लोब. पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा. इज इट ओके? पहले ये लिखो फिर बात करते हैं आगे. तो पहले हम आ जाते हैं बेटा हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय पार्स डिस्टेलिस. मतलब एंटीरियर लोब, यहां पे लिखेंगे हम हॉर्मोन, यहां पे इसका टारगेट टिश्यू या टारगेट ग्लैंड और फिर तीसरा हम लिखेंगे फंक्शन. सबसे पहले आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नहीं पता होगा, एक बार मैं दोबारा से लिखवा दूंगी, अभी मैं एब्रीविएशन लिख रही हूँ. थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या हम इसको और क्या बोलते हैं, थायरोट्रोफिक हार्मोन्स या हार्मोन. ट्रोफिक मतलब स्टिमुलेट करना. TSH इज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. टारगेट टिश्यू है थायरॉयड ग्लैंड. फंक्शन आपने खुद लिखना है, स्टिमुलेट थायरॉयड ग्लैंड. आप खुद लिखोगे साथ में बाद में, स्टिमुलेट थायरॉयड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरॉयड हॉर्मोन्स. सेकेंड आ जाता है बेटा ACTH एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हॉर्मोन. हमने बताया था किडनीज के ऊपर कौन सी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है. उसके टू पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला. तो ये जो हार्मोन है एक टारगेट टिश्यू क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स
adrenal cortex to secrete corticosteroid hormones. जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हैं वो सारे हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन या कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं, इसलिए ये फंक्शन हमने लिख दिया. देन थर्ड आ जाते हैं गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स. गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स GNTH, दीज आर ऑफ टू टाइप्स FSH एंड LH. किसमें? फीमेल्स में और मेल्स में ICSH. सेम ही चीज है बट नाम हमने फर्क दे दिया. FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स. LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन. ICSH की फुल फॉर्म है इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. व्हाट इज देयर टारगेट टिश्यूज? टारगेट टिश्यूज है बेटा सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज testes and ovaries. Function kya hai? Stimulate sex organs to produce. Sex organs kya karte hai? Gametes banate hai and secrete sex hormones. इनका ये function है. एक specific हम एक और function बता दें कि जो LH है luteinizing hormone also causes ovulation. ये आपने क्लास एट्थ में भी पढ़ा हुआ है और शायद टेंथ में भी पढ़ा होगा. व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, ठीक है, एंड मेंटेन्स. एलएच का और क्या फंक्शन है? अभी आप सिर्फ याद करेंगे, बस चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या फंक्शन है, मतलब ये क्या स्ट्रक्चर है कॉर्पस ल्यूटियम. कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है आई विल टेल यू, राइट. पहले ये लिखो ताकि मैं ये रब करूं. यहाँ पे थायराइड TSH का भी फंक्शन लिख लेना, फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, फोर्थ आ जाता है प्रोलैक्टिन, also called as mammotrophic hormone. Where it acts? It acts on mammary glands. Mainly in pregnant females or
आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है, तब ये ज्यादा हार्मोन सिक्रीट होता है. फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट्स मेमोरी ग्लैंड्स टू सिक्रीट मिल्क. हमेशा नहीं, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को, मिल्क ग्लैंड्स को बढ़ाता है, एंड आफ्टर डिलीवरी इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क, राइट. अनदर इज सोमेटोट्रोफिन. सोमेटोट्रोफिन या सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन, इट एक्ट्स ऑन वेरियस सोमेटिक सेल्स एंड बोन्स. फंक्शन क्या है? इंक्रीजेस हाइट एंड helps in growth of body. ये जो पांच hormones है, these are secreted by, you know, pars distalis या फिर anterior lobe of pituitary. अब मुझे जल्दी से हम एक बात यहाँ पे कर लें. मेनली हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की. एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, या तो डेफिशिएंसी होगी, कम होगा, या फिर एक्सेस होगा. If there is deficiency of growth hormone, and dwarfism, it causes dwarfism. और हम उनको क्या बोलते हैं? Pituitary dwarfs. Pituitary dwarfs have normal development of brain. आगे हम जब थायराइड की डेफिशिएंसी करेंगे तो वहां पर भी ड्वार्फ्स होते हैं, बट दे आर मेंटली रिटार्डेड. तो यहाँ पे जो है दे हैव नॉर्मल डेवलपमेंट. जो हम सर्कस में अगर ड्वार्फ्स देखते हैं, दे आर जनरली पिट्यूटरी ड्वार्फ्स, राइट. एक्सेस चिल्ड्रन में या किसी टाइम अडल्ट्स में, अगर चिल्ड्रन में एक्सेस है, इट कॉजेज द डिजीज जिजेंटिज्म, है ना. मैं आई डोंट वॉन्ट टू से कि भाई जो बड़े बड़े से नहीं होते कि 7 feet 8 feet लोग है जो नॉर्मल हाइट है, ग्रेट खली मे बी. देखो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, आई डोंट नो कि वेदर ही इज यू नो जायंट है या वैसे ही है, आई कांट से, बट 7-8 feet जिनके बड़े बड़े हाथ पैर है, बॉडी बहुत बड़ी बड़ी है, दे आर जायंट्स हम उनको बोलते हैं. दैट इज द डिजीज इज जायंटिज्म. वेयर एज अगर अडल्ट्स में हो, क्योंकि अडल्ट्स में लेट अस से 40 साल के बाद या नॉट 40 में, इवन आफ्टर 25-30 के बाद एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, जब बोन्स के जो एंड्स है वो बंद हो चुके हैं, वो नहीं अब ग्रो करेंगे. बोन्स के भी एंड्स होते हैं जो ग्रो करते हैं, बट एक टाइम के बाद उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है. तो अब ये किसको इफेक्ट करेंगे, ठीक है. तो ये लॉन्ग बोन्स को नहीं, ये शॉर्ट बोन्स को इफेक्ट करेंगे. उनके हाथ बड़े बड़े हो जाते हैं, पैर बड़े हो जाएंगे, कान बड़े हो जाएंगे, नाक की टिप बड़ी हो जाएगी,
This is called as it causes acromegaly. That is long hands, feet, facial deformities. ठीक है जी, जो एक्रोमिगैली है, चिल्ड्रन का मतलब बाई बर्थ ही है अगर, ठीक है, तो इट इज एक्रोमिगैली, इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अर्ली बट इज डिटेक्टेड when produce external features. है ना, जब बच्चे बढ़ रहे हैं तब थोड़ी पता चलता है कि जैन, जब देखें, जब बच्चा जो है 22-23 साल का हो जाए, हाइट बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, या उसके हाथ पैर बढ़ी जा रहे हैं, नॉट हाइट, आई एम सॉरी, जो है बच्चे में अगर बच्चा तो नहीं हम कह सकते, मतलब 16-17-20 साल में एक्रोमगैली हो गई तो अभी नहीं पता चलता, ये पता चलेगा 30-35 साल की उम्र में कि ये क्या हो जा रहा है, कैसे हो गया हाथ पर, राइट, तो ये जल्दी से पता नहीं चलते, राइट, तो दिस इज एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ठीक, लिख लो. तो नाउ वी कम टू द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पार्स इंटरमीडिया, दैट इज मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी. ठीक है, तो पहले तो आप इसमें लिख लीजिए कि इसको हम एक अच्छा एक और बात लिखना, ऊपर जो एंटीरियर पिट्यूटरी था, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पार्स डिस्टेलिस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एडीनो हाइपोफिसिस. एक ये नाम भी लिख लेना. उसके बाद पार्स इंटरमीडिया, इट सिक्रीट्स हार्मोन MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, यहां पे देन टारगेट टिश्यू, इट इज मेलानोसाइट्स इन स्किन. स्किन में सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज मेलानोसाइट्स. फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट मेलानोसाइट्स टू सिक्रीट मेलानिन विच गेट्स डिस्पर्स्ड इन स्किन. मेलानिन बन तो रहा है, डिस्पर्स्ड मतलब फैल जाता है, विच गेट्स डिस्पर्स्ड इन स्किन. साथ ही लिखो, एक स्टार डाल के नीचे पॉइंट लिख लीजिए, इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टेलिस. पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टेलिस. सेकेंड पॉइंट लिखिए,
In humans, FSH is, sorry, MSH, melanocyte stimulating hormone, is vestigial. हमारे में ये फंक्शनल नहीं है. ठीक है, विच गेट्स, मैंने फंक्शन बताया आपको कि इसका क्या काम है, स्टिमुलेट मेलेनोसाइट्स टू सिक्रीट मेलेनिन, विच गेट्स डिस्पर्स्ड इन स्किन एंड develops dark skin in किसमें, fishes and amphibians. MSH is vestigial in humans. है तो सही बट अभी वेस्टिजियल, राइट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय पार्स नर्वोसा. पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफिसिस. इसके बारे में पहले नोट डाउन. इट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. इट हैज, इसी का ही हैज नर्व एंडिंग्स ऑफ हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स. It has nerve endings of these hormones that store oxytocin and vasopressin. तो है तो दोबारा से बता रही हूं कि है तो ये hypothalamic hormones है but secrete कौन करता है, sorry but बाहर कौन निकालता है या एक्सक्रीट कौन करता है, दैट इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. रिलीज कौन करता है, स्टोर कौन करता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. सो कौन सा हार्मोन सबसे पहले आ जाता है बेटा, ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है, दीज आर ऑक्सीटोसिन एप्सॉन स्मूथ मसल फाइबर्स. ऑक्सीटोसिन का जो है बेटा मेनली ये फंक्शन है दैट इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल फाइबर्स. ठीक है, और क्या फंक्शन है, या इट एक्ट्स ऑन, ये तो इसका टारगेट टिश्यूज हो गया. ठीक है, और क्या फंक्शन क्या है, फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ, एमएफ मतलब मसल फाइबर्स. दूसरा क्या है, इन फीमेल्स
इट कॉजेस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. ये हमने स्पेसिफिक कर दिया, बट है तो ये मसल फाइबर्स की ही कॉन्ट्रैक्शन है जिससे क्या होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है, राइट, बाहर आता है बच्चा. थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स टू रिलीज मिल्क. इसलिए ऑक्सीटोसिन को हम बेटा और क्या कह देते हैं, एक हम इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं या फिर हम इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं. कई बार बेटा किसी फीमेल के, राइट, लेबर पेन्स नहीं हो रही बट बच्चा मैच्योर है, उसको बाहर निकालना है तो उसको हम लेबर पेन इंजेक्ट करते हैं, मतलब उसमें हम आर्टिफिशियल लेबर पेन्स देते हैं. तो आर्टिफिशियल लेबर पेन्स के लिए हमें क्या देना पड़ता है, उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देना पड़ता है. इसी तरह से जो कैटल है, कैटल कई बार दूध नहीं, मेरा मतलब इजेक्ट नहीं करी है तो सही दूध, बट उनमें से निकल नहीं रहा तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं विच हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क. राइट, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन. उसके बाद सेकेंड आ जाता है बच्चे एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन. टारगेट सेल्स क्या है इसके, इट एक्ट्स ऑन डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन, यू नो, मस्कुलर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, प्रेसर इफेक्ट. वासो मतलब ब्लड वेसल्स, प्रेसिन मीन्स उनको प्रेस करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है. फंक्शंस क्या है इसके, इट कॉजेस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर फ्रॉम अल्ट्राफिल्ट्रेट एंड दस इनक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर. और दूसरा क्या है, इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, वासो मतलब ब्लड वेसल, और जब ब्लड वेसल्स का ल्यूमन, पहले इतनी बड़ी है फिर ल्यूमन छोटा हो जाए, ब्लड तो उतना ही है, दस इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर. एंड यू नो डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, इट कॉजेस द डिजीज डायबिटीज इंसिपिडस. डेफिशिएंसी होगी, रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही है, कॉजेस डायूरेसिस. डायूरेसिस का मतलब है मोर फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन.
और यूरिन में अगर बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, चला जाएगा, लूज हो जाएगा, तो इट कॉजेस डिहाइड्रेशन. दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस. राइट, ठीक है बच्चों, देख लो, लिख लो. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चे पीनियल ग्लैंड. अगेन पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये तीनों जो है ये ब्रेन के पार्ट है. ठीक है, थोड़ा सा और स्पेसिफिक आ जाए. लोकेटेड ऑन डोर्सल रीजन ऑफ फोर ब्रेन, दिस इज वेंट्रल, दिस इज डोर्सल. सिक्रीट्स हॉर्मोन, कौन सा? मेलाटोनिन. ठीक है जी, मेलाटोनिन का क्या फंक्शन है? इट मेंटेन्स बायोलॉजिकल डायर्नल रिदम्स. कैसी? सच एज स्लीप वेक साइकिल. और देखना कुछ टाइम बाद, और 50-100 सालों बाद पीनियल ग्लैंड ने वेस्टिजियल हो जाना है, क्योंकि हमने स्लीप वेक साइकिल एक रखी नहीं है. सारी सारी रात जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो पीनियल ग्लैंड तो बेचारी आजकल हमारी कंफ्यूज्ड है. ठीक है ना, फिर थोड़ा टाइम बाद उसने कहा ना, मैंने काम ही नहीं करना, तुम अपनी मर्जी से करो जो कुछ करना. राइट, अनदर इज इट आल्सो मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर. देन इन फिशेज एंड एम्फीबियंस इट कॉजेज लाइट कलरेशन ऑफ स्किन. और ये जो फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, इट इज एंटागोनिस्टिक. एंटागोनिस्टिक मीन्स ऑपोजिट, एंटागोनिस्टिक टू एमएसएच. एमएसएच डार्कनिंग करती है स्किन कलर, ये लाइटनिंग करती है. ठीक है, देन इट आल्सो has influence on immune system, हमारा जो defense system है. Again, रात दिन जागने से क्या होता है, मतलब opposite करने से हमारा immune system obviously कम होना शुरू हो जाएगा, उसकी effectivity कम हो जाएगी. Then मेलाटोनिन डिलेज सेक्सुअल मैच्युरेशन ना कहके मैच्युरेशन ऑफ ओवरीज इन फीमेल. ठीक है,
secretion of melatonin is decreased before puberty in females. फीमेल्स में प्यूबर्टी से पहले ये सिक्रीशन कम होगी तभी तो ओवरीज मैच्योर होगी तभी तो ये मेंस्ट्रुएशन करेगी राइट सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द पीनियल ग्लैंड विच सिक्रीट द हार्मोन मेलाटोनिन ओके नेक्स्ट हम आ जाते मैम नेक्स्ट हम आ जाते हैं थायरॉयड ग्लैंड largest endocrine gland in our body and it is butterfly shaped agar hum dekhenge ये क्या है ये बेटा हमारा लेरेंक्स का पार्ट है और ये हमारी नेक में और क्या प्रेजेंट है यू नो दिस इज ट्रेकिया ट्रेकिया के ही अपर पार्ट को हम क्या बोल देते हैं दैट इज लेरेंक्स trachea these are lobes of thyroid gland और ये जो बीच में एक टिश्यू जिसने इन दो लोब्स को जोड़ा हुआ है this is called as isthmus ठीक है जी और इसमें इस तरह से ये फॉलिकल्स है This is the thyroid gland. ठीक है ये कौन सा व्यू आ जाता है वेंट्रल व्यू अगर हम आगे से देखेंगे ठीक है अगर यहां से ये निकाल के अगर हम अंदर देखें तो हमें ये ऐसे नजर आता है और अगर हम पीछे वाली साइड से देखें तो दिस इज ये है वेंट्रल व्यू और अगर हम पीछे वाली साइड से देखें तो ये हमें जो है ट्रेकिया ये पूरा नजर आएगा ठीक है ना और इसके दोनों तरफ आपको
ये थायराइड ग्लैंड नजर आएगी। ये कौन सा व्यू है? दिस इज डोर्सल व्यू फ्रॉम द बैक साइड। दिस इज डोर्सल व्यू। तो अब जो है थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट, थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ ट्रेकिया, साइड्स ऑफ ट्रेकिया। इट हैज टू लोब्स, इट हैज टू लोब्स which are connected by, which are connected by a thin flap of connective tissue, a thin flap of connective tissue called as a isthmus. Called as isthmus. Next point hai. Each lobe of thyroid gland, each lobe of thyroid gland is composed of, हर लोब में क्या प्रेजेंट है? थायराइड फॉलिकल्स, और डिफरेंट थायराइड फॉलिकल्स के इन बिटवीन क्या चीज प्रेजेंट है? स्ट्रोमा, स्ट्रोमल टिश्यू। थायरॉयड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है जी। थायरॉयड फॉलिकल्स जो है ईच थायरॉयड फॉलिकल हैज फॉलिक्यूलर सेल्स, ईच थायरॉयड फॉलिकल, ये देखो ये है फॉलिक्यूलर सेल्स एंड द कैविटी, दिस इज फॉलिक्यूलर कैविटी। थायरॉयड फॉलिक्यूलर सेल्स एंड फॉलिक्यूलर कैविटी। जो फॉलिक्यूलर सेल्स है, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रीट टू मेन हॉर्मोन्स। कौन से दो हॉर्मोन्स है? T4, T3। क्या है ये? टेट्रा आयोडो थायरोनिन, और ये है ट्राया आयोडो, मतलब थायरोनिन के साथ 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं और यहां पे 3 ट्राया आयोडो थायरोनिन, T3 एंड T4, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, थायरॉयड हॉर्मोन्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, या आयोडीन इज असेंशियल, ऐसे लिख लो, आयोडीन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हॉर्मोन्स।
ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। जो T3 है वो ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू T4। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, T3 इज फिजियोलॉजिकली, T3 इज फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव, मोर एक्टिव देन T4। Therefore, in the body, या in the cells, T4 loses one iodine. T4 loses one iodine and gets changed into T3. Gets changed into T3. नेक्स्ट पॉइंट है थायराइड हॉर्मोन्स। बेटा हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, सिर्फ थायराइड हॉर्मोन्स है जो इन फॉलिकल्स की कैविटी में कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जनरली हॉर्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड, हॉर्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन अवर बॉडी एक्सेप्ट except thyroid hormones which are stored in follicular cavity for few days. Next point hai, अगर ये बेटा लेट अस से अगर हम दिस इज पीएस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड लोब, उसके लोब का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स मीन्स जैसे हम कुकम्बर के स्लाइसेस काटते हैं, these are thyroid follicles. And this is connective tissue, stroma. ये है connective tissue. आपने पूरा लिखना है connective tissue. इस कनेक्टिव टिश्यू में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज सी सेल्स और पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। And these parafollicular cells, they secrete calcitonin hormone. और इसको हम क्या बोलते हैं, TCT, thyrocalcitonin. कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन, ब्रैकेट में लिख लेना, प्रोटीन हार्मोन। और यहां पे बेटा एक चीज और, यहां पे है अमीनो एसिड टायरोसिन प्लस 4-iodine, और यहां पे है टायरोसिन प्लस 3-iodine मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब जो थायराइड हॉर्मोन्स है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, ए मतलब अमीनो एसिड। सो T3, T4 आर अमीनो एसिड हॉर्मोन्स,
जबकि कैल्सिटोनिन इज ए प्रोटीन हॉर्मोन। ठीक है, जल्दी से ये लिख लो। एक डायग्राम में यहां पे भी, फिर इसके बाद देन आई विल रब इट। यहां पे इस तरफ को, इस साइड नहीं, ऑन द वेंट्रल साइड। दीज आर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। अभी हम इसके बाद करेंगे, बट पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। दीज आर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है जी, अब लिख लीजिए फंक्शंस ऑफ, फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। फर्स्ट है दे रेगुलेट BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। दे रेगुलेट BMR, हमारा जो एक बेसिक सा मेटाबॉलिज्म है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? थायरॉयड हॉर्मोन्स। नेक्स्ट सेकंड है RBC फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। थर्ड है कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स। कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। फोर्थ फंक्शन है मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स। मेंटेन्स वाटर एंड आयोनिक बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक ही बात है, इन द बॉडी फ्लूइड्स। नेक्स्ट है helps in development of nervous tissue, helps in development of nervous tissue. Next hai helps in development of sex organs, helps in development of sex organs. नेक्स्ट आ जाइए फंक्शंस ऑफ PCT, फंक्शंस ऑफ PCT। इट रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, इट रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। सेकेंड पॉइंट है इट इज सिक्रीटेड, इट इज सिक्रीटेड when blood calcium is above normal, when blood calcium is more than normal concentration. Next point hai kya karega jab blood mein calcium zyada hai to TCT secrete ho gaya, karega kya? It causes deposition of excess calcium in bones, it causes deposition of excess calcium in bones. Comma karke promotes more excretion, promotes more excretion of calcium in urine, in urine, and inhibits absorption of calcium
inhibits absorption of calcium from intestine. देखो एक्सेस कैल्शियम एक तो बाहर से एब्जॉर्ब नहीं करना पहले ही बहुत है, ठीक है। दूसरा जो एक्सेस है उसको या तो बोन्स में डिपॉजिट कर दो या यूरिन में एक्सक्रीट कर दो, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू, डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। तो डिजीजेस है, आपने बेटा गिल्लड़ सुना है कि नहीं? हम सुना है। सुना है किस चीज के कारण होता है? देखा है आपने गिल्लड़? यस मैम। गिल्लड़ होता है जब गले में जो है वो मैम स्वेलिंग हो जाती है। हाँ, तो वो है गिल्लड़, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ी सी इमेज भी दिखाती हूँ। इट इज कॉज्ड, आप लिखो गोइटर, गोइटर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये देख रहे हो बेटा, ये देख रहे हो इस फीमेल के कितनी गर्दन फूली हुई है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, ये नीचे वाला देखो ये कितनी ज्यादा आगे को आई हुई है, दिस इज गिल्लड, राइट। सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। अब बेटा क्या हो रहा है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, कि आयोडीन नहीं है तो थायराइड हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे। हमारी बॉडी के सेल्स को जब T3 T4 नहीं मिलेगा वो हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगा कि मुझे नहीं मिल रहा है T3 T4। हाइपोथैलेमस TSH RH बनाएगा, वो पिट्यूटरी में जाएगा, ज्यादा से ज्यादा TSH बनेगा। TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड को मैसेज भेजेगा भी बना रुक क्यों गया है, रेस्टिंग पे क्यों है, थायरोक्सिन बनाओ, T3 बना, T4 बना। थायराइड ग्लैंड बेचारा, थायराइड ग्लैंड जो है वो बेचारा बना नहीं पा रहा, तो वो कहता है शायद मेरे में एफिशिएंसी कम है, तो थायराइड ग्लैंड का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डू यू गेट मी? ठीक है, इस कारण जो है जब थायराइड ग्लैंड का जो है साइज बढ़ जाएगा तो उससे हो जाएगा गोइटर, राइट। तो सो गोइटर जो है It is caused due to deficiency of iodine in our diet. Deficiency of iodine in our diet. Next point है, causes enlargement of thyroid gland. Causes enlargement of thyroid gland and less secretion of T3 and T4. Less secretion of T3 and T4. Bracket में कर लो hypothyroidism. Hypothyroidism. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। अब हम गोइटर के नहीं, गोइटर तो बता दिया, hypothyroidism से क्या होगा? Hypothyroidism during pregnancy. अगर प्रेगनेंसी में मदर के हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेस डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ फीटस, FOETUS. वो पूरी तरह मैच्योर नहीं होगा, कमजोर सा हो जाएगा, कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कॉमा मे कॉज क्रेटिनिज्म, CRETINISM, क्रेटिनिज्म, दैट इज स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन, कॉमा लो आईक्यू, कॉमा एबनॉर्मल स्किन, कॉमा डेफ म्यूटिज्म, डेफ मतलब ना सुन सकता ना बोल सकता, डेफ म्यूटिज्म MUTISM एंड स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी ड्यू टू लो मेटाबॉलिक रेट, ड्यू टू लो मेटाबॉलिक रेट there is deposition of fats, there is deposition of fats causing obesity, causing obesity, मोटापा आ जाता है. ठीक है जी. In adult females, next point है, ये तो बच्चों में बात है. In adult females hypothyroidism causes irregular menstrual cycle, क्योंकि development में कुछ तो फर्क पड़ेगा. Irregular menstrual cycle, comma obesity, comma low BMR, comma low rate of heartbeat, etc. ये तो था हाइपोथायरॉयडिज्म. नेक्स्ट आ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म. इट इज कॉज्ड, क्यों होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, मोर सिक्रीशन ऑफ, यहां पे लिख लीजिए, मोर सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हॉर्मोन. रीजन क्या, कॉज क्या है हाइपर थायरॉयडिज्म का, कॉज लिखिए, कॉज कैंसर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, कैंसर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड और डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, कैंसर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड और डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. नेक्स्ट है डिजीज, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, एक्स ऑफ्थैल्मिक, एक्स ऑफ्थैल्मिक गोइटर और ग्रेव्स डिजीज, GRAVE apostrophe S. एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज, इसमें क्या है सिम्टम्स आ जाइए. नेक्स्ट आ जाए सिम्टम्स, वेट लॉस ड्यू टू हाई BMR, ड्यू टू हाई BMR, enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland, protrusion of मैम. हाँ जी मैम, इसमें तो मैम इंसान मैम सूख नहीं जाता मैम, enlargement हो गई थी, वेट लॉस का है ना बेटा मैम, enlargement of thyroid glands भी हो गई, थायरॉइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट तभी तो बेटा, अगर कैंसर है तो किस लिए है, है ना, तो यहाँ पे वहां पे एनलार्जमेंट थी कि थायरॉइड कमी थी, दोनों में ही हो जाता है बेटा, बट इतनी बड़ी नहीं होती, गिल्लड़ नहीं बनता है, गोइटर नहीं होता है यहाँ पे. ठीक है मैम, ये कैंसर के कारण है. ठीक है जी,
नेक्स्ट आ जाता है डेपोजिशन ऑफ फैट्स बिलो आईज, डेपोजिशन ऑफ फैट्स बिलो आई बॉल्स thus causing protrusion of eyeballs, thus causing protrusion of eyeballs, which gives staring looks, staring appearance. हमें ऐसे लगता है ये इंसान हमें घूरी जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, जबकि बेचारे की ना बेटा आंखें ही ऐसी हो गई है थायराइड हाइपर थायराइडिज्म की वजह से, घूर नहीं रहा है वो हमें, स्टेयर नहीं कर रहा है. ठीक है जी. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द, और यहां पे स्टार डाल के एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, पिट्यूटरी ड्वार्फ्स एंड थायराइड क्रेटिन्स, पिट्यूटरी ड्वार्फ्स एंड थायराइड क्रेटिन्स हैव स्टंटेड ग्रोथ. दो नहीं बोने होंगे stunted growth, but pituitary dwarfs have normal IQ. Pituitary dwarfs have normal IQ, whereas cretins have low IQ. Mentally impaired hai wo. They are mentally retarded. Right? So this is about thyroid gland. ठीक है जी. आज हमने pituitary gland की, thyroid gland की. नेक्स्ट टाइम आई हम करेंगे पैराथायरॉयड एड्रीनल्स एंड ऑल. इज इट ओके? यस मैम. चलिए ओके बेटा, बाय बाय मैम. हाँ जी बच्चे मैम.